अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बड़े ही दर्द के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी धर्म मज़हब का हो, अगर उसकी किताबें जलाई जाती हैं या मुकद्दस किताबों को नज़र आतिश किया जाता है तो दर्द होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। नालंदा में कुरान करीम के नुस्खे हिंदुत्वादियों की जानिब से जलाए गए। ताज्जुब तो मुस्लिम समाज पर भी है कि आज भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अगर वाकई किसी बात का असर नहीं हो रहा, किसी जुल्म का एहसास ही नहीं हो रहा, तो इस माशरे को, इस कौम को क्या कहा जाए। और साथ में दिगर मजाहिब के लोगों से भी सवाल है कि क्या कोई इस तरह अपने धर्म मजहब के जुलूसों में जुल्म की इंतहा की जाती है। आखिर राम के नाम पर इस तरह का नंगा नाच कब तक चलता रहेगा। मस्जिदों मदरसों के सामने इस तरह तलवारों को लहराते हुए जुलूस निकालना, एक समाज को डराना धमकाना, इन्हें डर खौफ के साहे में रखने की कोशिश करना कहां तक सही है। और सबसे अहम बात यह है कि जिन रियासतों में रामनवमी कभी मनाई भी नहीं जाती थी, कभी वहां पर जुलूस भी नहीं निकाले जाते थे, अब वहां भी सरकारी तौर पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। रामनवमी मनाई जा रही है, बिल्कुल मनाई जाए और बिल्कुल मनानी चाहिए, जिनके भी जो भी ईद है, त्योहार है, मनाने होंगे। लेकिन क्या इस तरह से रामनवमी के मौके पर इस तरह से नफरत का न्यू बाजार लगाना कहां तक दुरुस्त है। राम की आड़ में नफरत का बाजार सजाकर इख्तदार की कुर्सी को हासिल किया जाए। वैसे भी इसमें आम हिंदुओं का किसी तरह का दखल नहीं होता, लेकिन जिन तंजीमों को इसी नफरती एजेंडे के लिए बनाया गया है, उनके कार्यकर्ता बस इसी काम के लिए होते हैं। जब मुस्लिम समाज रमजान के मुबारक महीने में इत्मीनान के साथ, शांति के साथ तरावी पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, सौम सलात पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां ईशा की नमाज अदा करते वक्त या तरावी की नमाज के वक्त वहां जाना जुलूस की शक्ल में और गाली गलौज, गंदे नारे, मुसलमानों को गालियां देना और इन्हें उकसाने की कोशिश करना, किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इसे समझने की जरूरत है। खासकर रामनवमी के वक्त का नजारा भी इस तरह बनता जा रहा है। जानबूझकर मस्जिद के सामने नमाज के वक्त जुलूस लाया जाता है। जुलूस में आपको हर तरह के हथियार नजर आएंगे। आखिर ताज्जुब इस बात का है, पुलिस इन्हें इजाजत कैसे देती है और हथियार लेकर नाचने पर इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती। आखिर उस पुलिस अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और अब तो मस्जिद मदरसा दरगाहों पर पत्थर फेंकना भी गलत नहीं समझा जा रहा। मस्जिद पर तूफानी पथराव करना, मस्जिद पर भगवा झंडा लहराना, हाथों में हथियार तलवारें लहराकर मुसलमानों को दिखाना, गंदी गालियां मुस्लिम समाज को देना, अगर कहीं पर रास्ते में भी मुस्लिम पहचान वाला, यानी कि दाढ़ी कुर्ता वाला शख्स, अगर कोई शख्स नजर आ जाए तो बिला वजह महज मुसलमान होने की बिना पर पीटना, फिर दुकानों, घरों, तिजारत फैक्ट्रियों को जलाकर राख कर देना, और यह तमाम पुलिस के सामने होता रहेगा। कुछ देर बाद और पुलिस इंतजामिया बड़ी तादाद में आएंगे और मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार करेंगे। एक समाज का बड़ा तबका कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहेगा। पिछले 3 सालों से रामनवमी के मौके पर फसाद बर्पा किए जा रहे हैं। कर्नाटक में भी हमने कभी रामनवमी के इतने बड़े जुलूस नहीं देखे थे। अब तो ये भी देखा जा रहा है कि अगर पुलिस इजाजत भी नहीं दे रही तो इन्हें किसी तरह का डर नहीं रहता, जुलूस फिर भी निकाले जाते हैं। पर क्या इस तरह का जुल्म ठीक है। अगर मान लो कि अगर मुसलमानों का ईद त्योहार और अगर कोई छोटा सा इजलास भी रहता है तो बारहा पुलिस थानों को बुलाया जाता है, बारहा इंक्वायरी की जाती है, लेकिन यहाँ तो इन्हें खुले तौर पर छोड़ दिया गया। याद रखो, जुल्म की कोख से इनकलाब पैदा होता है। अपने जालिमाना रवैये से पास आए, अगर भाजपा या मुल्क की कोई भी रियासती हुकूमत बहादुरी समझ रही है तो जुल्म ज्यादा देर तक नहीं पनपता। और पूरी तारीख की औराक इसे भरे पड़े हुए कि जब भी जालिम ने अपना सर उठाया तो उस दौर का जालिम खत्म भी उतने ही जल्दी हो चुका है। बहुत सारे लोगों की समझ में आ रहा है कि जाति की जरिए अक्सरियत हिंदुओं को खुश करने के लिए बिलावजह 4% रिजर्वेशन कर्नाटक की बम्बई हुकूमत ने रद्द कर दिया। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेवजह मुसलमानों के घरों बाजारों को जलाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के जरिए कत्ल किए जा रहे हैं। बिल्कुल म्यांमार की तरह हालात रुनुमा करने की कोशिश भाजपा संघ की जानिब से की जा रही है और ये तमाम राम के नाम पर किया जा रहा है। क्या इसी तरह की तालीमात राम की होती है। आखिर क्या पैगाम हिंदुत्व तंजीमों के लोग दुनिया को देना चाहते हैं। दुनिया भर में किस तरह की तस्वीर भारत की बनाई जा रही है, पूरी दुनिया में थू हो रही है। नालंदा रामनवमी जुलूस के फिरका परस्तों ने मदरसे को जलाया जिसमें कई कुरान जलकर राख हो गए। कितना दर्द मुस्लिम समाज को होता होगा। मुसलमानों के मुकद्दस किताब की बेहरमती बेखौफ करने वाले क्या इससे अपने मजहब को बड़ा बना रहे। क्या तुम्हें शाबाश की दी जा रही है, क्या तुम्हें इसका फख्र है। राजा सिंह मस्जिद के सामने खड़ा होकर मुसलमानों के हाथ पैर तोड़ने की बात करता है। आखिर जुल्म की दास्तान कब रुकेगी। मुसलमानों से मुगलों का बदला कहकर इसे जायज ठहराने की भी कोशिश की जा रही है, पर कुछ भी कहानी सुनाकर या कुछ भी दलाइल पेश करके
क्या कभी जुल्म हमेशा दुनिया में रहा है? लिहाजा जब फिरौन आता है तो वक्त का मूसा भी दुनिया में आ जाता है और वो जुल्म का खात्मा कर देता है। जुल्म की इंतहा जरूर होगी और आखिर एक किस तरह का हिंदू धर्म दुनिया में फैलाने की बात हो रही है। जरूरत है इस तरह के हिंदुत्व को जो लोग गलत समझ रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए। क्या भारत की गंगा जमुनी तहजीब पुरानी नहीं है? क्या हमने ईद और दिवाली इसी मुल्क में मिलकर नहीं मनाई? क्या अच्छे बुरे वक्त में हम एक दूसरे के मददगार नहीं हुए? क्या हिंदू मुस्लिम मोहल्ले जो आज बट रहे हैं क्या कभी मिलजुल कर नहीं रहा करते थे? आज भी बेलगाम नॉर्थ या साउथ में ऐसे कई नगर मोहल्ले हैं जहां हिंदू मुस्लिम जमाने से मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन भाजपा की नफरती सियासत अब राम के कंधे पर सवार होकर देश के गली मोहल्ले में पहुंच चुकी है। नफरत का बाजार गर्म है, नफरत के सौदागर दंदना रहे हैं। बेलगाम के अतराफ में भी कई ऐसे देहात है जहाँ पूरे गाँव में 25-50 मकान, एक मस्जिद, एक दरगाह है। मुहर्रम के जुलूस तो कई गांव में हिंदू ही निकालते हैं। लिहाजा जिस तेजी से नफरत फैलाने की कोशिश भाजपा, बजरंग दल, बीएचपी, आरएसएस कर रहे हैं, बाज आ जाए, क्योंकि देश के लिए बड़ा ही घातक है। भले ही 2024 में हिंदू राष्ट्र की जल्दी इन लोगों को हो सकती है, पर ऐसा न हो इसी जुल्म के आंधी में मजलूमों की चीखें मुल्क के बर्बादी का सबब न बन जाए। अमन, शांति, एकता, इत्तेहाद और वही पुरानी गंगा जमुनी तहजीब इस मुल्क को बचा सकती है, वरना तबाही यकीनी है और यह तबाही सभी को मुतासिर करेगी। इस खुशफहमी में न रहे कि नुकसान सिर्फ मुसलमानों का ही होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। इसके लिए बोला मुगल मुगल है।